हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। इस वीडियो के ऊपर हम बात करने वाले हैं बेस्ट iOS थीम फॉर Xiaomi Redmi Poco डिवाइस। यहाँ पर हमारे पास है MIUI 2 डिवाइस एंड यहाँ पर इस डिवाइस के ऊपर हमने जो है MIUI 12.5.3 का जो बिल्ड है यहाँ पर इंस्टॉल किया है। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है आपके साथ बेस्ट iOS थीम को मैं शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपके Redmi Xiaomi Poco डिवाइस के ऊपर, जो कि MIUI 12.5 का जो एनहांस एडिशन है प्लस MIUI 13 के साथ भी कम कर जाएगा। काफी बढ़िया बात है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सभी जो थीम है, सभी थीम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने को मिलेगा। वहां पर जाके सिंपली थीम स्टोर से सभी थीम को डाउनलोड करना होगा एंड थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना। सबसे पहले वन बाय वन सभी थीम को यहाँ पर जो है अप्लाई करते हैं एंड आपको कौन सा थीम सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है जरूर से कमेंट करके बोल दीजिएगा। सिंपली ये जो थीम है यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर MIUI 12, MIUI 13 के साथ भी ये सब जो थीम है काम करेगा। काफी बढ़िया बात है, ये जो थीम है दोस्तों अप्लाई हो गया है। देख सकते हो इस थीम के साथ जो कुछ इस तरह से ओवरऑल UI देने को मिलेगा। यहाँ पर जो वॉलपेपर देख सकते हो, प्लस यहाँ पर जो क्लॉक विजर्स है, वेदर विजर्स है, ऐप आइकन भी देख पाओगे। इस थीम का जो ऐप आइकन है काफी बढ़िया है एंड कंट्रोल सेंटर की अगर बात करते हो, जो कंट्रोल सेंटर का जो UI है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया इस थीम के साथ। तो इस तरह से जो है कंट्रोल सेंटर का जो UI है देने को मिलेगा। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करते हो, सेटिंग्स मेनू का जो UI है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो है सेटिंग्स मेनू का जो UI है देने को मिलता है, काफी बढ़िया बात है। इस तरह से जो है ऐप आइकॉन देने को मिलेगा। हम सिंपली यहाँ पर जो है MIUI 11 को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर MIUI 11 से MIUI 12 का जो UI है कुछ इस तरह से देने को मिलेगा। तो यहाँ पर MIUI 12 का जो टॉगल है कुछ इस तरह से है। MIUI 11 सिलेक्ट करने के बाद जो है कुछ इस तरह से हमें जो है UI देने को मिलता है, काफी बढ़िया है, काफी डिफरेंट UI देने को मिल जाएगा। तो ये जो थीम है आप जरूर से ट्राई करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट जो थीम है सिंपली इस थीम का नाम है iPhone 14 Pro Max। तो सिंपली ये जो थीम है अप्लाई करते हैं, तो थीम को अप्लाई करने के बाद फोन को एक बार जरूर से रीस्टार्ट करना। तो ये जो थीम है अप्लाई हो गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो सरस बार का जो UI है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है इस थीम के साथ एंड वॉलपेपर भी आप देख सकते हो इस थीम के साथ जो काफी बढ़िया वॉलपेपर देने को मिलेगा। प्लस अगर बात करें यहाँ पर क्लॉक विजर्स, वेदर विजर्स को ऐड किया गया है, ऐप आइकन भी देख पाओगे कुछ इस तरह से ऐप आइकन देने को मिलेगा। डायलर की अगर बात करें तो जो डायलर भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है। यहाँ पर जो रिसेंट एंड कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन से काम नहीं करते एक्चुअली, यहाँ पर जो है इस तरह से देखने को मिलता है। मैसेज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मैसेज का UI है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू का जो UI है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू के ऊपर जो है कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, काफी बढ़िया है। ये सभी ऐप आइकन को ऐड किया गया है एंड काफी बढ़िया है, काफी डिफरेंट UI देने को मिल जाएगा। सिंपली हम यहाँ पर जो है कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर MIUI 11 के साथ जो है कंट्रोल सेंटर का जो UI है कुछ इस तरह से देने को मिलता है। हम सिंपली यहाँ पर जो है MIUI 12 को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर MIUI 12 के साथ जो है ऐप आइकन के ऊपर थोड़ा सा चेंज देने को मिलता है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर बूट एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन भी देने को मिलेगा। इसके लिए आपको सिंपली थीम को जो है यहाँ पर अप्लाई करने के बाद फोन को रीस्टार्ट करना होगा एंड ये जो थीम है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर भी काम करते हैं, काफी बढ़िया बात है। कुछ इस तरह से ओवरऑल इस थीम का जो है ऐप आइकन देने को मिलता है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें तो इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है कुछ इस तरह से देने को मिलेगा, एकदम मिनिमल लॉक स्क्रीन है। प्लस यहाँ पर जो है वेदर, प्लस सीरी शॉर्टकट, ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, ये भी काम करता है, इसे भी आप यूज कर सकते हो एंड यहाँ पर जो है टॉगल को भी ऐड किया गया है। इस तरह से जो है ओवरऑल UI देने को मिलेगा, काफी बढ़िया है। ढेर सारे ऑप्शंस के ऊपर ऐड किया गया है इस थीम के ऊपर, आप इसे भी चेकआउट करके देख सकते हो। एंड कंट्रोल सेंटर का जो UI है काफी बढ़िया है। वॉल्यूम पैनल प्लस पावर मेनू के ऊपर कोई भी चेंज देने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम पैनल है, वॉल्यूम पैनल के साथ जो है कोई भी चेंजेस अवेलेबल नहीं है इस थीम के ऊपर। तो नेक्स्ट जो थीम है, थीम का नाम है iPhone 12। तो सिंपली ये जो थीम है अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद जो है फोन को एक बार रीस्टार्ट करना जरूरी है। सिंपली थीम जो है अप्लाई हो गया है। यहाँ पर जो है अलग अलग वॉलपेपर को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, प्लस जो कस्टमाइजेशन ऑप्शन से ऐड किया गया है, इस तरह से जो है इस ऑप्शन से ऐड किया गया है, देख सकते हो। इस थीम के साथ जो है ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर टैप करके जो है वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हो, इस पर ऐड किया गया है अलग अलग जो वॉलपेपर का जो ऑप्शन से काम करता है। प्लस यहाँ पर जो ब्लर का ऑप्शन, इस पर ऐड किया गया है, आप सिंपली जो है ब्लर भी कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। इस भी आप चेकआउट करके देख सकते हो अलग अलग जो वॉलपेपर है यहाँ पर काम करता है। नाउ दोस्तों यहाँ पर जो है क्लॉक विजर्ड से, वेदर विजर्ड से, प्लस यहाँ पर जो सरस बार का जो UI है देख सकते हो, ऐप आइकन भी देख पाओगे इस थीम का जो है काफी बढ़िया है। एंड यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर का जो UI है कम्प्लीटली चेंज हो गया है। MIUI 12 के साथ जो है कंट्रोल सेंटर का जो
यूआई है कुछ इस तरह से देने को मिलेगा, काफी बढ़िया बात है। एंड सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें तो ये जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली चेंज हो गया है, जो ऐप आइकॉन है कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया है। प्लस इस तरह से जो है एमआईयूआई का जो वर्सन देने को मिलता है, डायलर का जो यूआई है कम्प्लीटली चेंज हो गया है, काफी बढ़िया है, काफी डिफरेंट यूआई देने को मिल जाएगा इस थीम के साथ। यहाँ पर जो मैसेज का यूआई है चेंज हो गया है, वॉल्यूम पैनल का जो यूआई है, पार्लर का जो यूआई है चेंज नहीं हुआ है, काफी बढ़िया है। जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। एंड यहाँ पर सिंपली एमआईयूआई 11 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एमआईयूआई 11 के साथ जो है कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है देने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन के बारे में, एकदम मिनिमल लॉक स्क्रीन है, सेम यहाँ पर जो है वेदर, सीरी शॉर्टकट, ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। एकदम जो मिनिमल लॉक स्क्रीन है देखने को मिलता है, ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड इस तरह से अगर आप स्वैप डाउन करोगे तो ये सभी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ब्राइटनेस, साउंड, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। डार्क मोड का ऑप्शन है, प्लस कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है। तो ओवरऑल इस थीम का जो यूआई है काफी बढ़िया है, आप जरूर से इस थीम को आपके फोन के ऊपर इंस्टॉल करके देख सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। तो नेक्स्ट जो थीम है इसका नाम है IP16, इस थीम को भी सिंपली अप्लाई करते हैं। थीम जो यहाँ पर अप्लाई हो गया है एंड थीम अप्लाई होने के बाद सबसे पहले देख पाओगे यहाँ पर जो यूआई है इस थीम का कुछ इस तरह से है, जो वॉलपेपर है, जो क्लॉक विजेट्स है, इस तरह से जो ऐप आइकॉन है देने को मिलेगा इस थीम के साथ। तो यहाँ पर इस थीम का जो ऐप आइकॉन है काफ़ी डिफरेंट है। एंड अगर बात करें यहाँ पर जो सरसबर्ग का यूआई है एमआईयूआई 11 के साथ, जो है सरसबर्ग का जो यूआई है कुछ इस तरह से देने को मिलेगा। डायलर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है डायलर का यूआई भी चेंज हो गया है, कुछ डिफरेंट यूआई देने को मिलेगा डायलर के साथ, मैसेज के साथ। एंड यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है, सेटिंग्स मेनू भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है इस थीम के साथ, काफ़ी डिफरेंट सेटिंग्स मेनू देने को मिलेगा। हम सिंपली यहाँ पर जो है एमआईयूआई 12 को सेलेक्ट करते हैं कंट्रोल सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पर एमआईयूआई 12 के साथ जो है कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। वॉल्यूम पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ कोई भी चेंज देने को नहीं मिला इस थीम के ऊपर। नाउ बात कर लेते हैं लॉक स्क्रीन के बारे में। तो इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है काफी बढ़िया है, ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस को ऐड किया गया है इस थीम के ऊपर। इस थीम का जो लॉक स्क्रीन देने को मिलता है काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर जो है नॉच को भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया है। तो यहाँ पर इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है काफी बढ़िया है, इस तरह से देने को मिलता है। एंड ये सभी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर जो है ब्राइटनेस को आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पर जो है ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस थीम का जो लॉक स्क्रीन का जो कस्टमाइजेशन है काफी बढ़िया है, ढेर सारी कस्टमाइजेशन ऑप्शंस के ऊपर ऐड किया गया है इस थीम के ऊपर, इसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। इस तरह से आपको जो यहाँ पर ये जो थीम का यूआई है देने को मिलेगा। इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है काफी बढ़िया है। नेक्स्ट जो थीम है iOS 15.0.2 है एंड ये जो थीम है अप्लाई हो गया है। एंड देख सकते हो इस थीम का जो यूआई है कुछ इस तरह से देने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ये जो थीम का जो वॉलपेपर है कुछ इस तरह से है, प्लस जो सरसबर्ग का जो यूआई है, जो ऐप आइकॉन है ये भी देख सकते हो, काफी बढ़िया है। एंड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर जो ऐप आइकॉन है काम करते हैं, कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है कुछ इस तरह से देने को मिल जाएगा। अगर बात करें डायलर के बारे में तो जो यहाँ पर जो है डायलर का जो यूआई है कम्प्लीटली चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से डायलर का जो यूआई है देने को मिलेगा। जो सेटिंग्स मेनू का जो यूआई है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू का जो यूआई है देने को मिलता है। यहाँ पर माई डिवाइस की अगर बात करें iOS 15.0.2 का जो यूआई है कुछ इस तरह से देने को मिल गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। हम सिंपली यहाँ पर जो है MIUI 11 को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर MIUI 11 के साथ जो है कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है देने को मिलेगा। डायलर जो है कम्प्लीटली चेंज हो गया है, काफी बढ़िया है डायलर का यूआई है, प्लस मैसेज का जो यूआई है कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। सेटिंग्स मेनू भी चेंज हो गया है कम्प्लीटली। वॉल्यूम पैनल के साथ जो है कोई भी चेंज नहीं है एंड पावर मेनू के साथ भी कोई भी चेंजेस अवेलेबल नहीं है। बट इस थीम का जो ओवरऑल यूआई है काफी बढ़िया है। अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में तो यहाँ पर वंस अगेन लॉक स्क्रीन जो है काफी सिमिलर है। यहाँ पर जो है ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है, यहाँ पर ब्राइटनेस प्लस वाईफाई ब्लूटूथ अलग अलग जो टॉगल है पर ऐड किया गया है इस थीम के ऊपर, काफी बढ़िया है। इस थीम को भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। तो बट दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ, तो सिंपली जो नेक्स्ट जो थीम है सिंपली यहाँ पर अप्लाई करते हैं, इसका नाम है iOS 15 स्टेबल। सिंपली ये जो थीम है अप्लाई करते देखते हैं किस तरह से इस थीम के साथ जो है ओवरऑल यूआई देने को मिलेगा। एंड थीम अप्लाई होने के बाद एक बार फोन को जरूर से रीसेट करना। थीम जो है पर अप्लाई हो गया है, देख सकते हो इस थीम का जो वॉलपेपर है कुछ इस तरह से, यहाँ पर जो है डबल टैप करके जो है आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। यहाँ पर iPhone 13 का जो वॉलपेपर है ऐड किया गया है। तो इस थीम का जो ऐप आइकॉन है काफी बढ़िया है, कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो है ऐप आइकॉन का जो यूआई है देने को मिलेगा, काफी बढ़िया है। यहाँ पर जो iPhone 13 का जो वॉलपेपर है यूज किया गया है, प्लस यहाँ पर जो है क्लॉक विजेट्स का जो कस्टमाइजेशन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। इस थीम का जो ऐप आइकॉन है काफी बढ़िया है। कंट्रोल सेंटर की अगर बात करें तो यहाँ पर MIUI 11 के साथ जो है कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है काफी डिफरेंट है, काफी बढ़िया है, कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर का जो यूआई है देने को मिलेगा इस थीम के ऊपर।
एंड डायलर की अगर बात करें तो जो डायलर का यूआई है कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से डायलर का जो यूआई है देखने को मिलेगा इस थीम के ऊपर। एंड मैसेज की अगर बात करें तो मुझे मैसेज के साथ भी चेंज देने को मिलता है, यह बार मैसेज के साथ भी चेंज देने को मिल गया है इस थीम के ऊपर। सेटिंग्स मेनू की अगर बात करें, सेटिंग्स मेनू भी कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। कुछ इस तरह से इस थीम के साथ जो है सेटिंग्स मेनू देने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया है। सिंपली यहाँ पर जो MIUI 12 का जो कंट्रोल सेंटर है सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर MIUI 12 के साथ जो है कंट्रोल सेंटर का जो UI है काफ़ी डिफरेंट है। लॉक स्क्रीन की अगर बात करें, इस थीम का जो लॉक स्क्रीन है कुछ इस तरह से देने को मिलेगा एंड यहाँ पर जो है देने को मिलता है। प्लस यहाँ पर आप स्वाइप डाउन करके जो है जो कंट्रोल सेंटर है उसे भी आप इनेबल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो ये जो थीम आप जरूर से ट्राई करके देख सकते हो। ऐप आइकॉन काफ़ी बढ़िया है, आईफोन 13 का जो वॉलपेपर है यहाँ पर ऐड किया गया है इस थीम के ऊपर। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट थीम की तरफ। इस थीम का नाम है iOS 15। तो सिंपली ये जो थीम है अप्लाई करते हैं, अगेन MIUI 12 MIUI 13 के साथ ये सब जो थीम है काम कर जाएगा, काफ़ी बढ़िया बात है। एंड ये जो थीम है हमने अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो सर्च बार का जो UI है चेंज हो गया है। अगर बात करें यहाँ पर वॉलपेपर के बारे में, इस थीम के साथ जो है कुछ इस तरह से वॉलपेपर देने को मिलेगा। यहाँ पर जो कैलेंडर का विजेट से प्लस वेदर विजेट भी देख सकते हो। ऐप आइकॉन इस थीम के साथ जो है काफी बढ़िया है, नो इश्यू एट ऑल। MIUI 12 के साथ जो है कंट्रोल सेंटर का जो UI है कुछ इस तरह से देने को मिलता है। तो यहाँ पर MIUI 12 के साथ जो है कंट्रोल सेंटर का जो UI है काफी बढ़िया है। डायलर की अगर बात करें तो यहाँ पर डायलर के साथ चेंजेस है, प्लस मैसेज के साथ भी चेंजेस देने को मिलता है। सेटिंग्स मेनू भी कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है, कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू का जो UI है देने को मिलेगा। एंड सिंपली यहाँ पर MIUI 11 सेलेक्ट करने के बाद जो है जो UI है कंट्रोल सेंटर का काफी बढ़िया है, कुछ इस तरह से ओवरऑल UI देने को मिल जाएगा। एंड अगर बात करें लॉक स्क्रीन के बारे में तो यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन का जो UI है काफ़ी बढ़िया है एंड ये सभी यूजर्स को ऐड किया गया है लॉक स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर इस थीम के साथ जो है लॉक स्क्रीन का जो UI है काफ़ी बढ़िया है, इसे भी आप चेकआउट करके देखो। आपको कौन सा थीम सबसे बढ़िया लगा है आप जरूर से कमेंट करके बोल दीजिएगा। मेरे को ये जो iPhone 14 Pro Max का जो थीम है काफ़ी बढ़िया लगा है। एंड सभी जो थीम है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी थीम का डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा, वहाँ पर जाके थीम स्टोर से सभी थीम को डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 12.5 का जो एनहांस एडिशन है प्लस MIUI 13 के साथ ये सभी जो थीम है काम कर जाएगा। रेडमी, शाओमी, पोको ये सभी डिवाइस के साथ जो है ये जो MIUI थीम से काम कर जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले हमने जो है ढेर सारी MIUI थीम का जो है वीडियो आपके साथ शेयर किया है। सिंपली जो MIUI का जो थीम का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड काफ़ी बढ़िया थीम है, एंड कौन सा थीम आपको सबसे बढ़िया लगा है जरूर से कमेंट करके बोल दीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।